हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। आज बात करने वाला हूँ शेड सिलेक्शन के बारे में। अब दांत होता है पॉलीक्रोमैटिक और उसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, और जो ऑर्डर होता है शेड सिलेक्शन का, सबसे पहला है द वैल्यू, दूसरा है क्रोमा और तीसरा है ह्यू। अब यू नीड अ गुड DSLR विद मैक्रो लेंस डॉक्यूमेंटेशन के लिए, शेड सिलेक्शन के लिए। अब कुछ पैरामीटर्स है, जैसे हो गया लाइट, दूसरा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर्स आई और बैकग्राउंड। अब कलर मैचिंग शुड बी डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे दैट इंश्योर एक्यूरेसी एंड यूनिफॉर्मिटी। ध्यान रखना, एक्यूरेसी एंड यूनिफॉर्मिटी। अब सनलाइट इन द मिडल ऑफ द डे इज कंसिडर्ड ऑप्टिमल एज दिस एक्सपोजर कंटेन्स एन इक्वल ब्लेंड ऑफ ऑल द वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग एक्सपोजर। यू हैव टू फर्स्ट लर्न to use the correct opacities and translucency for layering. तो opacities और translucency का ध्यान रखना है, बहुत important है। You also have to use customized shade guide, जैसे Vita Classic A1 से D4 तक, 3D Master से लेकर Vita Linear Guide से लेकर, parameters को ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि shade selection सबसे पहले करना है आपको, before you start. क्योंकि आफ्टर द टूथ प्रिपरेशन द शेड ऑफ द एडजेसेंट टीथ विल चेंज ड्यू टू डिहाइड्रेशन। द वैल्यू विल इंक्रीज एंड विल टेक अप टू 24 आवर्स टू रिटर्न बैक टू नॉर्मल। तो हमेशा प्रोसेसेस या केस स्टार्ट करने से पहले आपको शेड सिलेक्शन करना है। ध्यान ये रखना है कि जो बटन टेक्निक है टू सिलेक्ट द एनामल शेड, बहुत ध्यान रखना है, बटन टेक्निक टू सिलेक्ट द एनामल का शेड। डेंटीन शेड जो डार्क होता है इज 1 or 2 shade darker than the enamel shade. Transparent incisal and shade for incisal third. आपको transparent रखना है. You also have to use a polarizing filler for polarized image to remove the glare resulting from the flashlight. अब the polarized image showing more details in shade, surface texture, which simplifies the matching. तो आपको textures का ध्यान रखते हुए amalgamate करना है, shade selection का criteria है वो. You have to place the dentine composite shade buttons in the cervical 1/3, preferably near the junction of the middle 1/3 and the cervical 1/3. Yaad rakhna, place the dentine composite shade buttons in the cervical 1/3 and near the junction of the middle and the cervical 1/3. A low brightness, high contrast photograph would make a decision making for the closest dentine. A low brightness, high contrast photograph. चाहे वो प्री ऑप हो, चाहे वो बेवल डिज़ाइन हो, चाहे डेंटीन कोर हो, बकल और पैरेलल शेल हो, तो अच्छे कंट्रास्ट के साथ लो ब्राइटनेस अच्छा फोटोग्राफ आएगा, आपको रिलेटेबल रिलेट करने में इजी हो जाएगा। यू ऑल्सो हैव टू यूज ब्लैक एंड वाइट इमेज टू मैच द कलर वैल्यू। एडजस्ट द इमेजेस टू रिड्यूस ब्राइटनेस एंड इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट टू मैच द क्रोमा सिलेक्शन। तो एडजस्ट करते रहिए आप ब्राइटनेस के साथ या कॉन्ट्रास्ट के साथ, एडजस्ट करना पड़ेगा वाइट बैलेंस को करेक्शन के साथ। तो मैंने हमेशा बोला है कि शेड सिलेक्शन ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिजिटल स्माइल डिज़ाइन में, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री को निखारने में। तो एक नए तौर तरीकों वाली डेंटिस्ट्री जहाँ पे शेड सिलेक्शन है कोर और आत्मा। तो ध्यान रखिए, केस डॉक्यूमेंट करिए, अच्छा कैमरा, अच्छा मैक्रो लेंस, अच्छा DSLR और इन सब क्राइटेरियाज का ध्यान रखना है। थैंक्स अ लॉट।